वेलकम टू मेडी जेई क्लासेस. दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक क्लास 12th केमिस्ट्री. ओके, नाउ अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं. ओके, प्रीवियस में हमने डाई नाइट्रोजन N2 पढ़ा था. ओके, अभी हमें स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर का अमोनिया, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन पे भी इस पे बेस्ड है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अमोनिया से. ओके, देखते हैं अमोनिया क्या है और इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं. अमोनिया हमने पहले भी देखा है कि हर एक चीज का दो प्रिपरेशन है, एक लार्जर स्केल पे जिसको हम कमर्शियल प्रिपरेशन बोलते हैं, और एक लेबोरेटरी स्केल जिसमें स्मॉल अमाउंट में जहां पे टेस्ट किया जाता है कि इस किस मेथड से बनाया जा सकता है. ठीक है, तो प्रिपरेशन की बात करो तो प्रिपरेशन जो है अमोनिया, अमोनिया बोलते क्या है, NH3 और यही NH4 प्लस हो तो दैट इज कॉल्ड अमोनियम. ओके, अमोनिया का बहुत फेमस मेथड भी है बनाने का, बट अभी देखते हैं कि हम लेबोरेटरी में इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं. सो इन लेबोरेटरी अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय, इन लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सॉल्ट ऑफ अमोनिया विद कॉस्टिक सोडा और स्लैग्ड लाइम, यानी NaOH CaOH का होल ट्वाइस, यानी सॉल्ट अमोनिया का कोई भी सॉल्ट हो उसको ट्रीटमेंट से, ट्रीटिंग सॉल्ट ऑफ अमोनिया विद कॉस्टिक सोडा मींस NaOH एंड कॉस्टिक सोडा नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरा कर सकते हैं स्लैग्ड लाइम. ओके, देखिए रिएक्शन देख लेते हैं हम कि अमोनिया दैट इज NH4 अमोनियम, प्रिपरेशन टाइम में तो ट्रीटिंग द अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमोनियम. ओके, NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉस्टिक सोडा इट फॉर्म अमोनिया प्लस वाटर प्लस सोडियम का कंपाउंड दैट इज सल्फेट बचा तो सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4 इसको बैलेंस कर लेते हैं तो 2 सोडियम है, 2 अमोनिया है, 4 हाइड्रोजन. तो यहां पे देखिए कि 8 और 2 10 4 16 बैलेंस है. सो ये प्रिपेयर हो गया आपका अमोनिया. दूसरा है कि अमोनियम सॉल्ट का क्लोराइड सॉल्ट भी होते हैं. सो NH4 अमोनियम क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस इट फॉर्म अमोनिया प्लस वाटर प्लस क्लोराइड ऑफ कैल्शियम दैट इज CaCl2. ओके, बैलेंसिंग कंडीशन देखते हैं तो 2 2 2, तो ये अगेन ये अमोनिया का प्रिपरेशन हो गया. सो लेबोरेटरी में दैट इज स्मॉल स्केल प्रिपरेशन है ये. ओके, लार्ज स्केल प्रिपरेशन करते हैं हम by Haber method. Haber process is the method to prepare ammonia commercially, large scale पे जो prepare किया जाता है. So commercial preparation of ammonia, ये laboratory preparation था. ठीक है, preparation in laboratory and this is commercial preparation. So
on large scale, ammonia is prepared by Haber's process. ठीक है, Haber process इसको prepare किया जाता है. कैसे? Haber process में क्या था? हमने पीछे भी देखा है रिएक्शन में, डाइनाइट्रोजन के रिएक्शन में, कि when nitrogen gas is treated with hydrogen gas in presence of some catalyst like iron 773 Kelvin temperature and 200 atm pressure, ये उसका स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो ये अमोनिया में फॉर्म हो जाता है. दिस इज द लार्ज स्केल प्रिपरेशन. ओके, लार्ज स्केल प्रिपरेशन जो होता है वो आपका Haber प्रोसेस से किया जाता है. ओके, तो एक हो गया आपका लेबोरेटरी मेथड स्मॉल स्केल एंड अनदर वन दैट इज द कमर्शियल. नाउ अब हम देखते हैं अमोनिया का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. जैसे कि अमोनिया एक कलरलेस गैस है, ये दोनों प्रिपरेशन आ गया. ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. सो प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, सो फर्स्ट वन, इट इज कलरलेस गैस. इसका ये ऑडरलेस नहीं है, इसका पंजेंट स्मेल होता है, यानी बहुत ही जो सड़े हुए चीजों से स्मेल आता है जनरली लाइक द सेम. सो इट हैज पंजेंट स्मेल. इसके अलावे जो अमोनिया है वो वाटर में बहुत हाईली सोल्यूबल है. अमोनिया गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. व्हाई? अमोनिया में नाइट्रोजन है एंड वाटर में हाइड्रोजन है. सो अमोनिया वाटर के साथ में इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और जो भी कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वो हाईली सोल्यूबल होता है. सो अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. व्हाई? बिकॉज इट फॉर्म्स इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. That's why. So, third property is it is highly soluble in water. Why? Due to formation of intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड यही रीजन है कि अमोनिया इन एक्वस स्टेट, यानी अमोनिया जब एक्वस स्टेट में हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बिकॉज ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को तोड़ना टफ होता है. दैट्स व्हाई अमोनिया हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन इट्स एक्वस स्टेट. ओके, एक्वस स्टेट में इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों जो होते हैं वो हाई होता है. सो फोर्थ प्रॉपर्टीज इज इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. व्हाई? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड विद वाटर. तो एक्वस स्टेट में इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका हाई होता है. तो ये हो गया आपका क्या प्रिपरेशन, कॉमर्शियल एंड लेबोरेटरी प्रिपरेशन. ये हो गया इसके प्रॉपर्टीज. अब देखते हैं इसके शेप एंड साइज में. ओके, तो चलिए हम शेप एंड साइज देखते हैं. इसको मैं रफ कर देता हूं, टू द पॉइंट है. लेक्चर को देखेंगे आपको टू द पॉइंट रिएक्शन याद रखने हैं. बाकी इस रिएक्शन को आपको अगर थ्योरी के फॉर्म एक्सप्लेन करना है तो रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दीजिए, प्रोसेस हो जाएगा. नाउ विल सी द शेप
हाइब्रिडाइजेशन एंड प्रॉपर्टीज, तो हम देख ही रहे ये प्रॉपर्टीज में ही आते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज जो अमोनिया का शेप होता है वो आपका ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, इट हैज ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री। स्ट्रक्चर बनाओ तो अब ये NH3 होता है तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा NH, एक H जो होता है वो बिल्कुल अंदर के साइड होता है। ये क्या दिखाता है कि ये नाइट्रोजन के इनटू द प्लेन है, अंदर साइड में है, और इसके पास में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है। ओके, इसके बीच जो बॉन्ड एंगल है ये 107.8 डिग्री का होता है। बॉन्ड एंगल बिटवीन द हाइड्रोजन एटम इन अमोनिया इज इज एंड बॉन्ड लेंथ इज 101.7 पिकोमीटर, ये उसका बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, अमोनिया के पास सिक्स प्रॉपर्टीज, अमोनिया के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने से फायदा क्या होता है कि लोन पे इलेक्ट्रॉन किसी को वो डोनेट कर सकता है, और लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, बेस। हाँ, बेस, इसका मतलब ये लेविस बेस है। सो इट हैज वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हेंस इट बिहेव्स एज लेविस या लुइस बेस की तरह काम करता है। इट हैज एज अ लुइस बेस, व्हाई? बिकॉज इसके पास में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अब कहता है क्या कि एक्वस स्टेट में अमोनिया जो है वो वीक बेस की तरह काम करता है। इन एक्वस स्टेट इट बिहेव्स एज वीक बेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस। कैसे? देखिए NH3 है, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस रिलीज करता है। सो सिंस इट रिलीज OH माइनस, ओके, दैट्स व्हाई ये रिलीज करता है OH माइनस, और OH माइनस कौन रिलीज करता है, किसका प्रॉपर्टी होता है, बेस का। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ, ये OH माइनस डोनेट भी करता है इसीलिए बेस की तरह काम करता है। ओके, नाउ इसके पास एक लोन पेयर है, और एक लोन पेयर वाले कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ते हैं कि अमोनिया एक लिगेंड्स की तरह काम करता है, मतलब जो दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। तो लोन पेयर जिसके पास है तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, दैट्स व्हाई जो अमोनिया है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यानी जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ऐसे आपके रेडिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, सो सिंस इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद व्हाट, कॉपर है, सिल्वर है, कोबाल्ट है, इस सब के साथ में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। सो एट प्रॉपर्टी ये ले सकते हैं, इट हैज लोन पेयर
can donate easily, hence it form complex compound with metal. Complex compound with metals, coordination compound में ऐसे बहुत सारे compound हमने पढ़ा था, ठीक है? Complex compound metal like copper plus 2 है, silver है. इससे क्या होता है कि आप radicals को detect भी कर सकते हैं. किसी solution में silver है, किसी solution में copper है, so ये हो गया 6, ये बोल सकते हैं 8th property है. 9th, it is used to detect, ये जो metals है उसको, metal ion को detect करने के लिए use किया जाता है. It is used to detect the metals. Complex compound form करेगा, basically इसी का part है, इसलिए next नाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? Complex compound फॉर्म करके ये मेटल को इजीली डिटेक्ट करता है. एग्जांपल देखिए, जैसे कॉपर प्लस 2 कंपाउंड है. जनरली कॉपर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट पड़ा होगा, ब्लू कलर का होता है. ओके, जब ये एक्वस स्टेट में, व्हेन इट रिएक्ट्स विद अमोनिया व्हिच इज आल्सो इन एक्वस स्टेट, ठीक है? तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, CuNH3 mol to the power plus 2, जो कि डीप ब्लू है. तो इसे पता लग जाएगा कि हाँ, इस कंपाउंड में कॉपर है. अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग कलर्स आते हैं. सो कॉपर इजली कनेक्ट विथ, इजली रिएक्ट विथ अमोनिया एंड फॉर्म कॉपर. लाइक द सेम सिल्वर के डिटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है. कैसे? कि सिल्वर आयन जो कि एक्वस स्टेट में जनरली कलरलेस होता है, ओके? अभी कलरलेस है, ये पहले क्लोरीन के साथ कंबाइन करके सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, ओके? इट फॉर्म्स सिल्वर क्लोराइड. और फिर ये जो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ AgCl, ये फर्दर अमोनिया के साथ कंबाइन करेगा. और ये जो AgCl होता है, ये कलर नहीं होता, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, ठीक है? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये एक्वस स्टेट में, एक मिनट इसको बैलेंस करने के लिए, 4 times यूज होता है. सिल्वर अमोनिया के साथ कंबाइन करके जो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है वो सिल्वर NH3 का होल ट्वाइस, और बाहर में बन जाता आपका Cl2. अमोनिया का बैलेंस करने के लिए डाल दीजिए. तो ये अगेन, ये आपका कलरलेस कंपाउंड है, ओके? तो ये जो आपका अमोनिया है वो बहुत अच्छा लिगेंड्स है, ठीक है? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली यूज किया जाता है, ओके? तो ये था आपका अमोनिया का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अब देखते हैं कि अमोनिया का यूज कहां कहां पे होता है. अमोनिया, जो लिक्विड अमोनिया होता है, उसका यूज किया जाता है एज अ रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में. लिक्विड अमोनिया, नाइट्रोजन के जो जनरली कंपाउंड होते हैं बहुत कूलिंग एजेंट होते हैं, तो लिक्विड अमोनिया का यूज एज अ रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में यूज होता है. उसके अलावा अमोनिया का यूज नाइट्रोजन से जो फर्टिलाइजर बनते हैं उसमें अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर है उसमें अच्छे खासे अमाउंट में यूज होता है. तो चलिए, ये तो चलो प्रॉपर्टीज था, अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ या यूजेज ऑफ अमोनिया. अमोनिया का यूज कहां कहां पे होता है, ओके? एप्लीकेशन ऑफ अमोनिया.
ammonia. First one, use in nitrogen containing जो फर्टिलाइजर होता है वो, ठीक है, यूज इन नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर लाइक आपने यूरिया का नाम सुना होगा, NH2CO, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, यूरिया हो गया, फिर नाइट्रोजन सल्फेट एक फर्टिलाइजर है, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फेट नाइट्रोजन फॉस्फेट ये सारे के सारे जो है प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, सब में अमोनिया का पोर्शन होता है. ओके, नाउ दूसरा है कि नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है. सो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, आगे हम पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड बनाने का. एंड थर्ड वन, इन लिक्विड स्टेट इट इज यूज्ड फॉर व्हाट, यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में इसका यूज होता है. सो ये था आपका एप्लीकेशन, ये अमोनिया था. Now we will study oxides of nitrogen. ठीक है, अभी हम group number 15 के जो first element है nitrogen, उसके compounds के regarding study कर रहे हैं. तो ammonia भी nitrogen का compound था. Now we will study the oxides of ammonia. Ammonia आप देखिए nitrogen के oxides of nitrogen. Nitrogen अपने group में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है नाइट्रोजन का, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन बहुत सारे टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, सिक्स टाइप के तो सिर्फ ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है. तो देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड्स के रिलेटेड कि नाइट्रोजन कौन कौन सा ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है. सो नाउ वी विल स्टडी द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. Now, oxides of nitrogen. So, first one, ये आपका क्या? Oxides of nitrogen. पहला लेते हैं हम nitrous oxide. Nitrous oxide formula होता है आपका N2O. इसका ये उसको बोलते हैं नाइट्रोजन वन ऑक्साइड, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसका वन. N2O जो आपका N2O है, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, है ना. N2O का यूज लाफिंग गैस के लिए आपका यूज किया जाता है. ज्यादा अमाउंट में होता है तो ये एनेस्थेसिया का फॉर्म में भी यूज होता है. ठीक है, सो ये नाइट्रस ऑक्साइड और लाफिंग गैस और नाइट्रोजन वन ऑक्साइड बनता कैसे है? तो ये अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने से मिलता है. इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट. अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने से और यू कैन से डिकम्पोज करने से नाइट्रोजन सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. सो अमोनियम नाइट्रेट व्हेन गिवन हीट इन कन्वर्टेड टू N2O प्लस
वाटर भी रिलीज होता है, चार हाइड्रोजन है तो दो. सो दिस इज व्हाट नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस. नाइट्रोजन वन ऑक्साइड, वन इंडिकेट्स द ऑक्सीडेशन नंबर. चलिए फिर ये प्रिपेयर हो गया, अब हम इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं. इसके छोटे छोटे प्रिपेशन हैं, एक एक प्रिपेशन फिर उसके फॉर्मूला. पहला कि इट इज कलरलेस, ये आपका कलरलेस होता है, कलरलेस गैस. दूसरा इट इज न्यूट्रल गैस, कलरलेस गैस है. दूसरा ये न्यूट्रल है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये देखिए, स्ट्रक्चर N2O का N, N में डबल बॉन्ड, सो N ट्रिपल बॉन्ड NO माइनस प्लस, ये भी स्ट्रक्चर होता है. और दूसरा स्ट्रक्चर इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, एक में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, प्लस डाल दीजिए. ओके, दिस इज आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, तो एक प्रिपरेशन आ गया और उसके प्रॉपर्टीज आ गए. अब हम दूसरे टाइप के नाइट्रोजन यानी नाइट्रिक ऑक्साइड पढ़ेंगे. सो दिस इज नाइट्रोजन ऑक्साइड. नाउ वी विल डिस्कस नाइट्रिक ऑक्साइड. तो रादर मैं एक एक करते जाता हूं और इसको रफ करते जाता हूं. ओके, सेकेंड नाइट्रिक ऑक्साइड. सेकेंड ऑक्साइड है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज एनओ, और इसमें करते हैं तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन टू ऑक्साइड, यानी इसमें जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो टू, तो इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड. इसको बनाते कैसे हैं? सो इसको प्रिपरेशन का आसान मेथड है. सोडियम नाइट्रेट को, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट दैट इज NaNA2 इज हीटेड विद फेरस सल्फेट. इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट को ट्रीट करते हैं किसके साथ में? NaNO2 है ना, सोडियम नाइट्राइट होगा. विद एसिडिफाइड, एसिडिफाइड मतलब कोई ना कोई एसिड मिक्स होगा, एसिडिफाइड फेरस सल्फेट. सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस आयरन सल्फेट एसिडिफाइड है, इसमें यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. तो फॉर्मेशन होता है FeSO4 का होल थ्राइस प्लस सोडियम बाई सल्फेट यानी NaHSO4. NaHSO4 दिस इज सोडियम बाई सल्फेट. अपना डिजायर प्रोडक्ट क्या है आपका? नाइट्रिक एसिड. तो एनओ तो बनता ही है, प्लस H2O प्लस NO. तो सिंपली सोडियम नाइट्रेट को एसिडिफाइड आयरन सल्फेट के साथ में रिएक्शन करवाया, एसिडिफाइड है, दैट्स व्हाई हमने ये यूज किया और फाइनली एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड. ओके, बैलेंस कर लीजिए. ठीक है, नाइट्रेट पे दो रखना पड़ेगा, टू, फिर टू थ्री, यहां टू रखा तो यहां भी टू, आयरन टू था तो यहां भी टू. ओके, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए टू. ओके,
एक मिनट गड़बड़ हो गया, Fe2 कर दीजिए, ये फेरस सल्फेट। ओके नाउ ये आ गया आपका इसका प्रिपरेशन। अब इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये भी कलरलेस होता है, इट इज कलरलेस। अगेन इट इज अ न्यूट्रल गैस, न एसिड न बेस। जनरली ऐसा बोलते हैं ना कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो होते हैं वो आपका एसिड होता है, सॉरी बेस होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल एसिड होता है। तो ये जो नाइट्रिक और नाइट्रस है ये दोनों के दोनों ही आपका न्यूट्रल होता है। बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर का, तो एन ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड का ही रिक्वायरमेंट होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो ये इतना इलेक्ट्रॉन झेल नहीं पाएगा, तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके या कई बारी बनते हैं क्या, दो बॉन्ड बनता है और तीसरा बॉन्ड जो होते हैं वो आपका डॉटेड होता है, यानी ट्रांजिशन मूव करता रहता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। ओके ये था आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। फॉर्म कैसे किया, सोडियम नाइट्राइड को फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया तो इसका फॉर्मेशन हो गया। नाउ अब देखते हैं हम थर्ड नाइट्रोजन ऑक्साइड, दैट इज डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, Na2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ओके इसको मैं रफ कर देता हूं, एक प्रिपरेशन और उसके एप्लीकेशन। ये इनफैक्ट क्वेश्चन आते हैं तो कोई एक नहीं पूछता है, ऐसा बोल देगा एक्सप्लेन द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो आपको जितना पढ़ा रहा हूं वो सारे ही लिखने पड़ेंगे। ओके सो थर्ड नाइट्रोजन ऑक्साइड इज डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, दैट इज N2O3। इसके फॉर्म में देखें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन आपका 3 ऑक्साइड के फॉर्मेट में आता है। सिंपल है कि जब आप नाइट्रिक ऑक्साइड को डाई नाइट्रोजन के साथ में, इट इज prepared by treating nitrogen oxide, अभी आपने पढ़ा है that is nitrogen oxide क्या, nitrous nitrous oxide with dinitrogen टेट्रा ऑक्साइड, यानी आप नाइट्रस, सॉरी एनो था ना तो ये तो नाइट्रिक होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड एनो प्लस Na2O4, ठीक है Na2O4 के साथ में ट्रीट कर दीजिए, लेकिन इसको क्या करना है, हीट करना पड़ेगा 250 केल्विन तक आपको हीट करना पड़ेगा, तब जा करके ये 2N2O3 का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके नाउ ये तो प्रिपरेशन हो गया, इसके प्रॉपर्टीज देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ये है कि ये न्यूट्रल नहीं होता है, एसिडिक नेचर होता है, इट इज ब्लू सॉलिड, इट इज एसिडिक इन नेचर। फॉर्म बनना आसान है, डबल बॉन्ड एन, ऐसा करेंगे चार बॉन्ड है तो ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा,
ठीक है, या डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कीजिए तो भी सेम ही आएगा. सो दिस इज डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, दैट इज Na2O3. ठीक है, तो ये आपका थर्ड टाइप का ऑक्साइड आ गया. नाउ अभी तो हमने डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया है. डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड भी कंपाउंड है जिसको बनाने पड़ेंगे. इसका तो और इजी, खाली कंडेंसेशन से प्रोसेस से बन जाता है. चलिए नेक्स्ट, इसको हम रफ करते हैं. ओके, तो ये थर्ड टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन था. अब है डाई नाइट्रोजन ट्राई टेट्रा ऑक्साइड. डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, यानी करने का खाली ये फोर कर देने का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है. ठीक है, ये सिंपली कूल करने से बन जाता है. किसको कूल करेंगे, जो आपका नाइट्रिक एसिड है उसको कूल कर दीजिए, फॉर्मेशन हो जाएगा. ओके, या दूसरा मेथड भी है, लेड नाइट्रेट को हीट करने से. इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट एट हाई टेम्परेचर, यानी केल्विन में अप्रोक्सीमेट 673 केल्विन में गर्म कीजिए, तो लेड नाइट्रेट टूट करके ये डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है. ओके, लेकिन ये जो फॉर्मेशन है डाई नाइट्रोजन है ना, ये तो कूलिंग से बन जाता है. ये सिंपली कूलिंग करते हैं, सॉरी कूलिंग ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड. सिंपल नाइट्रिक ऑक्साइड को कूल डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मेशन कर देगा. ओके, लेकिन इससे पहले एक चीज पढ़ना पड़ेगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, दैट इज 2NO2. इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं. ठीक है, अभी हम इसका प्रिपरेशन भी देखेंगे. सो व्हेन डाई नाइट्रोजन सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कूल करते हैं टू मॉलिक्यूल्स का, तो ये N2 और O4 का फॉर्मेशन हो जाता है. ओके, नाउ इसका प्रॉपर्टी की बात करो तो ये कलरलेस होता है और एसिडिक कैरेक्टर होता है. इट इज कलरलेस सॉलिड और कभी कभी ये लिक्विड स्टेट में भी अवेलेबल होता है. एंड इट इज एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक नेचर का होता है. फॉर्मेशन की बात करो तो ये चार बॉन्ड कभी बनाएगा ही नहीं, तो ये प्लस ये माइनस. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, या फिर अगर ये बॉन्ड बनाता है तो ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन भी करता है. ओके, तो ये आ गया आपका डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड. अब देखते हैं हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं. तो अभी जो हमने लिखा था स्टेटमेंट वही यूज किया जाता है डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए. ये होगा आपका कौन सा, फिफ्थ वन, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, दैट इज NO2. इसमें भी नाइट्रोजन यानी इसमें भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 ही होगा और ये लेड नाइट्रेट के
हीट करने से मिलता है. इट इज प्रिपेयर्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट एट 663 केल्विन, 663 और 673 केल्विन के अप्रोक्सीमेट होता है. तो लेड नाइट्रेट को ही, लेड नाइट्रेट जो है वो आपका PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको आप हीट कर दीजिए 673 केल्विन पे टू मॉलिक्यूल्स. तो एक तो आपको डिजायर प्रोडक्ट मिल जाएगा प्लस एक लेड ऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाता है. ठीक है, लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करने से NO2 मिलता है. प्रॉपर्टीज है, ये कलरलेस नहीं होता, ये ब्राउन क्लास का गैस होता है. इट इज ब्राउन कलर गैस. इट इज एसिडिक इन नेचर. हमने प्रीवियस वाले का डायग्राम रिएक्टेंट का ड्रॉ कर लिया, उसका बाकी मैं ड्रॉ कर देता हूं. पहले इसका ड्रॉ कर लेते हैं, NO2 का डायग्राम. तो देखिए ये एक रेजोनेंस का फॉर्मेशन कर लेता है. ठीक है, यानी कभी ये वाला फॉर्मेट में, यानी प्लस या माइनस या फिर N एक सिंगल बॉन्ड माइनस प्लस, इस टाइप से ये फॉर्मेशन करता है यानी, और ये रेजोनेंस भी शो करता है. तो ये ऑक्सीजन, ये रेजोनेंस, ये था NO2 का, N2O4 का रिमेनिंग रह गया था. चलिए गलत ड्रॉ हो गया था, ओके अभी ड्रॉ कर देते हैं हम N2O4 का. तो ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड हो गया आपका. नेक्स्ट वन है आपका नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड. नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, तो वही सेम टाइप के स्ट्रक्चर है. ये NO2 का स्ट्रक्चर था, और प्रीवियस में हमने जो पढ़ा था, पहले उसको रफ कर देता हूं. और N2O4 का डायग्राम, ये फिफ्थ ऑक्साइड था. अब हम सिक्स्थ ऑक्साइड की ओर मूव करते हैं, कि सिक्स्थ ऑक्साइड जो है वो कौन सा है. उससे पहले N2O4 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. N2O4 का स्ट्रक्चर प्रीवियस वन से मिलता जुलता है. NNO. अब देखिए इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इंटरचेंज कर दिया. N2O4 का स्ट्रक्चर था जो हमने N2O4 के प्रिपरेशन में NO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया था गलती से. ओके, ये N2O4 है. ओके, लास्ट जो है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. ओके, दैट इज सिक्स्थ ऑक्साइड इज डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है, यानी N2O5. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 5. इसीलिए इसको नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड भी बोलते हैं. बनाते किससे, नाइट्रिक एसिड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्शन करके. सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग नाइट्रिक एसिड. अभी हम उसी का फॉर्मेशन देखेंगे, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन, नाइट्रिक एसिड विद
फास्फोरस, पेंटा ऑक्साइड, दैट इज एच एन ओ थ्री प्लस पी टू ओ फाइव, पी टू ओ फाइव चार मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, इससे फॉर्म होता है आपका एच पी ओ थ्री फोर मॉलिक्यूल्स और डिजायर प्रोडक्ट एन टू ओ फाइव टू, ऑक्सीजन हो गया कितना 12, 10, 22, 4, 5 या 20, कहीं पोर्शन पे ये नहीं लगेगा, पेंटाक्साइड दो मॉलिक्यूल्स ही आएंगे, तो 10, 12 राइट है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाक्साइड. प्रॉपर्टीज की बात कीजिए तो ये कलरलेस सॉलिड होता है, इट इज कलरलेस सॉलिड, इट इज एसिडिक इन नेचर, नेचर में ये एसिडिक होते हैं और एन ये इसका स्ट्रक्चर होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है. तो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन था, ठीक है, अमोनिया पढ़ा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़े, अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन ग्रुप के लास्ट कंपाउंड, ठीक है, दैट इज नाइट्रिक एसिड. वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो मेन था उसमें आपका एक नाइट्रिक एसिड बाकी है, तो अभी हम स्टडी करते हैं नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है, ठीक है, और अभी हमने यूज भी पढ़ा है नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका ब्राउन रिंग टेस्ट करके नाइट्रेट आयन का पता भी किया जाता है कि किसमें नाइट्रेट आयन है. तो हम लेबोरेटरी मेथड देखते हैं और जो उसका कमर्शियल प्रिपरेशन है उसको हम ऑस्वाल्ड मेथड बोलते हैं, बहुत फेमस है, पहले भी आया होगा, कहीं नाम सुना होगा, ऑस्वाल्ड प्रोसेस, दैट इज कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. एंड पहले हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड में कैसे बनता है, देखिए, सो एच एन ओ थ्री दैट इज नाइट्रिक एसिड, ओके, लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड बनाते कैसे हैं, इन लेबोरेटरी ठीक है, लेबोरेटरी में इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग आइदर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 विद एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके विद H2SO4 इन ग्लास रिटार्ट. ग्लास रिटार्ट आपने देखा होगा एक फ्लक्स जैसे ही होता है लेकिन यहाँ पे ऐसे करके रहता है, बहुत पतला निब रहता है, जैसे हीट करने से वेपर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, दैट इज कॉल्ड द ग्लास रिटार्ट. तो जब सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट को ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन इट फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड, दैट इज सोडियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो दो बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एक सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 और एक HNO3 का. दिस इज द विच प्रोसेस, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ, इसको बोलते हैं हम लेबोरेटरी मेथड एंड लार्ज स्केल, दैट इज ऑस्वाल्ड प्रोसेस. ये लेबोरेटरी मेथड था,
commercial method. So, on large scale, it is prepared by Ostwald's process. ठीक है, ये process भी आपका बहुत famous है. Ostwald's process. ये Ostwald process तीन step में divided होता है. यानी जो Ostwald का formation है वो तीन step में होता है. It involves three steps. ये तीन step कौन कौन सा इन्वॉल्व करता है. सबसे पहले अमोनिया का यूज किया जाता है. अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किया जाता है. पहले अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है. फिर नाइट्रिक ऑक्साइड से आपको नाइट्रस ऑक्साइड में, उसके बाद रिएक्शंस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में. तो पहला स्टेप है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या विद ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या ऑक्सीजन इन एयर इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिक प्लैटिनम इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और रोडियम कैटलिस्ट एट 500 केल्विन टेम्परेचर एंड 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये सारे के सारे जो है वो उसके कंडीशन है. 9 बार प्रेशर. एक रिएक्शन आप देखिए, ये थ्योरी है. एक रिएक्शन लिख दीजिए, ये थ्योरी प्रिपेयर होगा. तो रिएक्शन क्या होगा? अमोनिया प्लस ऑक्सीजन. सो NH3 प्लस O2 ये गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में. तो फॉर्मेशन होता है आपका पहले NO का, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड. ओके, और नाइट्रिक ऑक्साइड बना प्लस आपका वाटर बना. तो 6 है, तो 3 ऑक्सीजन है आपका, 2 या 2. फर्स्ट ये पहला स्टेप हुआ कि अमोनिया का कैटालिटिक, हाँ, और जो कैटलिस्ट है वो आपका प्लैटिनम रोडियम 500 केल्विन एंड 9 बार प्रेशर. तो ये रिएक्शन भी ध्यान रहेगा, तब इसके बेसिस पे इसके जो थियरी है उस पार्ट को आप इजिली लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट है कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन ऑक्सीजन जो अपने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके साथ में रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाता है आपका NO2 में. सो नाइट्रिक ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू जो सेकंड स्टेप है वो डेट NO is converted into NO2. यानी फिर से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 का फॉर्मेशन कर देता है. कैसे? NO plus O2 form NO2. 2 कर दीजिए तो 2N 4 हो गया. यानी ऑस्वाल्ड प्रोसेस में पहले क्या होता है, अमोनिया को रिड्यूस करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में, NO में. फिर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिड्यूस होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ. यानी वाटर क्या करता है कि
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर देता है आपका नाइट्रिक एसिड में। सो थर्ड प्रोसेस मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये प्रिपरेशन ध्यान रखिएगा, लेबोरेटरी में प्रिपेयर इससे करते हैं। और ऑस्वाल्ड प्रोसेस बहुत फेमस प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जो कि तीन स्टेप में इन्वॉल्व होता है, अमोनिया का रिडक्शन और फिर एनओ का रिडक्शन, एंड थर्ड प्रोसेस है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ वो वाटर में जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, सो मैं थर्ड स्टेप इसको रफ करके ऊपर लिख देता हूं। थर्ड स्टेप इज NO2 इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर एंड फॉर्म नाइट्रिक एसिड, फॉर्म नाइट्रिक एसिड, यानी NO2 जो है अब वाटर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है HNO3, और अगेन NO का NO आपका रिलीज हो जाता है, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 3 4 ज्यादा है, टू करेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका 3 2, एक काम कीजिए ना यहाँ 3 डाल दीजिए, 3 नाइट्रोजन, और यहाँ ये न डाल करके 2 डाल दीजिए, ओके बैलेंस। सो ये आपका 3 स्टेप इन्वॉल्व हुआ सवाल में, पहला क्या किया अमोनिया कन्वर्ट किया, मैं तीसरा बार रिपीट कर दिया, एंड फाइनली जो है आपका नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सोडियम नाइट्रेट से पहला था और ऑस्वाल प्रोसेस, ये मेथड फेमस है, दैट्स व्हाई ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पूछा कुछ भी जा सकता है लेकिन जो फेमस मेथड होता है वो पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है। ओके नाउ अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज और रिएक्शन। हमने दो मेथड पढ़ लिया कि लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, और दूसरा पढ़ा कि कॉमर्शियली कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो आपका नाइट्रिक एसिड बनता है वो जनरली एक्वस स्टेट में होता है, ये जो नाइट्रिक एसिड है वो आपका एक्वस स्टेट में, एक्वस मतलब वाटर का अमाउंट है, तो डिस्टिलेशन करके हम वाटर को हटा सकते हैं। तो बाय डिस्टिलेशन नाइट्रिक एसिड को आप 68% तक ही प्यूरिफाई यानी कंसंट्रेट कर सकते हैं। सो बाय यानी नाइट्रिक एसिड कैन बी कंसंट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन, सो एक्वस नाइट्रिक एसिड कैन बी कंसंट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन अप टू 68% बाय मास, 100% आप उसको बहुत सारा बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा सकते, अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन आपको बढ़ाना है तो आपको डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब लोगों क्यों नहीं हुआ, वाटर तो निकाल दिया लेकिन कंप्लीटली वाटर रिमूव नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं नाइट्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से डिहाइड्रेट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, सो उससे 98% तक वो प्यूरिफाई हो जाता है, 98% कंसंट्रेशन, ठीक है, फॉर 98% कंसंट्रेशन इट इज डी हाइड्रेटेड विद 98%, अगर उसको कंसंट्रेट करना है तो आपको डिहाइड्रेट करना पड़ेगा किसके साथ में, विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो 98% कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है इसको कहते हैं हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। सो 98%
प्योर HNO3 या 98% कंसंट्रेटेड? HNO3 is known as fuming nitric acid. इतना ज्यादा कंसंट्रेशन होता है कि फ्यूमिंग बबलिंग टाइप की उसमें हमेशा होता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड. ओके, ये तो इसी का पार्ट था. अब हम आते हैं उसके प्रॉपर्टीज पे. नाइट्रिक एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम. प्रॉपर्टीज ठीक है, ये एक कलरलेस लिक्विड है जो कि गैसियस स्टेट में पहला इट इज कलरलेस लिक्विड, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है. इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो एन इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है, यानी अरेंजमेंट होता है इसका गैसियस, वो भी गैसियस स्टेट में. ठीक है, और जो ये नामी है नाइट्रिक एसिड, खास करके ये एक्वस स्टेट में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है. सो इन एक्वस स्टेट इट बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड. दूसरा इसके नीचे में दिख जाएगा आपको, इन एक्वस स्टेट इट बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड, और यानी वाटर के साथ रिएक्शन में हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है एंड गिव हाइड्रोनियम एंड नाइट्रेट आयन. हाइड्रोनियम और नाइट्रेट आयन देते हैं. रिएक्शन देख लेते हैं. पहला कि ये कलरलेस लिक्विड है, एक्वस स्टेट में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड का एसिड की तरह काम करता है. और क्यों काम करता है वो तो अभी रिएक्शन देख लेते हैं हम. ठीक है, इसका रिएक्शन कुछ इस टाइप से होता है कि HNO3 प्लस H2O वाटर के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोनियम आयन HO3 प्लस प्लस नाइट्रेट जो है आपका NO3 माइनस आयन का इजली फॉर्मेशन कर लेता है. ये भी एक्वस स्टेट में, ये भी आपका एक्वस स्टेट में. ठीक है, दैट्स व्हाई इन एक्वस स्टेट इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, यानी ये एसिड की तरह काम करता है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है इट, पहला था कलरलेस, दूसरा एसिडिक, तीसरा इट इट बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कैन ऑक्सीडाइज ऑल मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल को छोड़ करके. नोबल मेटल के लिए एक्वा रेगिया का फॉर्मेशन करना पड़ता है. एक्सेप्ट नोबल मेटल्स लाइक प्लैटिनम गोल्ड, प्लैटिनम हुआ गोल्ड हुआ, ये सब जो है आपका नोबल मेटल होता है. ठीक है, और इसका जो ऑक्सीडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड करता है इसके कंसंट्रेशन, यानी आप HNO3 का ही यूज करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में,
लेकिन अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दिया तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा. सो द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सच अ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन देयर कंसंट्रेशन. ओके, यानी ये किस टाइप से ऑक्सीडाइज करेगा ये इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. सो द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3. जैसे देखिए कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा. जैसे कॉपर के साथ में रिएक्शन करता है HNO3, जब ये डाइल्यूट रहता है तब डाइल्यूटेड अमाउंट में करेगा तो कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O का फॉर्मेशन कर लेता नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, यानी जब नाइट्रिक एसिड डाइल्यूटेड है तो कॉपर के साथ ये बनके नेक्स्ट कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो बनेगा यही, बस ये N के बदले में आपका NO2 आ जाता है. तो जब ये डाइल्यूटेड था तो एक प्रोडक्ट बना. अब देखिए जब कंसंट्रेटेड रहेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज कॉपर प्लस 4HNO3. अभी ये कंसंट्रेटेड है तो कंसंट्रेटेड में ये जो फॉर्म करता है वो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2. यानी आपने इसका कंसंट्रेटेड था या डाइल्यूटेड था उस बेसिस पे देखिए ये प्रोडक्ट जो है वो पोर्शन क्या आपका अलग है. तो कंसंट्रेशन चेंज तो प्रोडक्ट का अमाउंट भी चेंज हो जाता है. सिमिलर रिएक्शन देखते हैं जिंक के साथ में. देखिए जिंक के साथ में क्या देता है, 4 ऑफ जिंक प्लस HNO3 जब डाइल्यूटेड हो. ठीक है, तो उस केस में जिंक नाइट्रेट, तो ये जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन कर लेता है. जिंक कितना था आपका, 4, तो 4 5. ओके, इसका फॉर्मेशन करता है जब ये डाइल्यूटेड था. और जब ये कंसंट्रेटेड होगा तो देखिए किसका फॉर्मेशन करता है, रिएक्टेंट ही चेंज कर देगा NO2. अभी ये N2O डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको हमने नाइट्रस ऑक्साइड बोला था, लेकिन जब जिंक यही HNO3 जो कि कंसंट्रेटेड था तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O का. ठीक है, इसका ये फॉर्मेशन कर लेगा. तो ये HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, बट अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो फिर जो आपका बाय प्रोडक्ट है वो आपका अलग ही टाइप का आएगा. ओके, सो लिक्विड स्टेट में ये तो ऐसे काम करता है. फिर इसका ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, मतलब हुआ कि कोई लिक्विड या कोई सॉल्यूशन नाइट्रेट आयन है कि नहीं है, नाइट्रेट आयन को चेक करने के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है. ठीक है, टू चेक वेदर द सॉल्यूशन कंसिस्ट ब्राउन रिंग नाइट्रेट आयन और नॉट. तो उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके एक ब्राउन रिंग बनता है. अगर ब्राउन रिंग बन गया तो मतलब नाइट्रेट है, नहीं तो नहीं है. तो अब देखते हैं हम ब्राउन रिंग टेस्ट विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन. ओके, तो
कंसंट्रेशन चेंज, प्रोडक्ट चेंज होता है, मतलब सारे प्रोडक्ट नहीं होते हैं, कुछ चीजें ही चेंज होती हैं। विज की कंसंट्रेट करेंगे तो वो विगोरसली रिएक्ट करेगा, दैट्स व्हाई। ओके नाउ कम्स टू द पॉइंट, कि ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट से नाइट्रेट आयन चेक किया जाता है, ठीक है। सो इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो फेरस सल्फेट होता है जिसमें नाइट्रेट आयन होता है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें नाइट्रेट आयन होता है, मतलब इसमें किया क्या जाता है आपका, एडिंग फेरस सल्फेट टू एक्वस सॉल्यूशन कंसिस्टिंग नाइट्रेट आयन। ओके पहले हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट को ऐसे सॉल्यूशन में ऐड करते हैं जिसमें नाइट्रेट आयन हो, और उसके बाद में उसमें हम ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सो एडिंग डाइल्यूट, ओके एडिंग ये डाइल्यूट फेरस सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन कंसिस्टिंग नाइट्रेट आयन एंड देन एडिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड साइड बाय साइड। यानी पहले क्या हुआ कि ऐसा सॉल्यूशन था, मतलब मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में ऐसा सॉल्यूशन था जिसमें नाइट्रेट आयन आपका पहले से अवेलेबल था, इसमें क्या किया फिर हमने फेरस सल्फेट को ऐड किया, तो ये फेरस सल्फेट के साथ में एक कंपाउंड बन गया। उसके बाद हमने ऊपर से क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ मिक्स नहीं होता है, ये एक अलग लेयर बना लेता है, और जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और सॉल्यूशन के बीच का जो लेयर है उस पे ब्राउन ब्राउन कलर का रिंग जो है दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो पहले क्या किया हमने, डाइल्यूट फेरस सल्फेट को किसमें ऐड किया, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जिसको चेक करना है कि इसमें नाइट्रेट आयन है कि नहीं है, तो पहले सॉल्यूशन में फेरस सल्फेट हमने डाला, डाइल्यूटेड फेरस सल्फेट, फिर ये एक टाइप से सॉल्यूशन बन गया, फिर उसमें साइड बाय साइड क्या डाला हमने, ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड, तो इंटरफेस पे यानी ये जो इंटरफेस है यहां पे आपका ब्राउन कलर का रिंग बन जाता है, ठीक है। सो ब्राउन ब्राउन कलर रिंग इज फॉर्म एट द इंटरफेस, इजी है, जिसको चेक करना है उसे फिर सल्फेट डालिए, फिर साइड बाय साइड सल्फ्यूरिक एसिड डालिए, तो जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड और ये सॉल्यूशन मिक्स हो रहा होगा वहां पे आपको ब्राउन कलर का रिंग दिखाई देगा, ब्राउन कलर का रिंग दिखाई दिया तो मतलब आपने जो सॉल्यूशन लिया था एक्वस सॉल्यूशन उसमें नाइट्रेट आयन है, और अगर नहीं है तो मतलब अगर ब्राउन रिंग नहीं बनता है तो मतलब नाइट्रेट आयन नहीं है। इसका रिएक्शन देख लीजिए कैसा होता है, सबसे पहले जो नाइट्रेट आयन होता है वो आपके आयरन के जो फेरस सल्फेट डाला था उसमें जो आयन है उसके साथ में रिएक्शन करके सबसे पहले जो है वो NO+ इसमें रहता आपका 2,
ये बन जाता आपका 3 Fe plus 3 plus H2O, वाटर का तो फॉर्मेशन टाइम, ओके। देन आफ्टर ये जो NO बना उसके साथ में यानी Fe H2O होल 6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि इसके फॉर्मेशन के साथ में रिएक्ट करके Fe H2O का 5 NO के पावर प्लस 2 और वाटर का फॉर्मेशन करता है। और ये जो होता है ना यही ब्राउन रिंग में अपने को दिखाई देता है, ओके। सो इट इज सीम्स एज ब्राउन रिंग, ठीक है। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट है जो कि नाइट्रेट आयन को चेक करते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये ब्राउन रिंग फॉर्म होता है ये इन दोनों के इंटरफेस पे, तो मतलब आपका नाइट्रेट आयन है। अब हम फाइनली देखते हैं HNO3 का एप्लीकेशन, ओके। तो ब्राउन रिंग टेस्ट था नाइट्रेट आयन को चेक करने के लिए, MCQ में भी आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू चेक द नाइट्रेट आयन, ठीक है। इसके प्रोसेस के लिए यूज देखिए, यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो पहला तो अमोनिया, जो अमोनिया नाइट्रेट फर्टिलाइजर होता है उसको फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट बहुत अच्छा फर्टिलाइजर माना जाता है। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक भी है, बॉम्ब बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कई जगह पे होता है कि ग्लास में इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है। अमोनियम नाइट्रेट एक एक्सप्लोसिव भी है, और बाइक रेसिंग बाइक होता है उसका जो माइलेज बढ़ाना हो तो पेट्रोल के साथ ही मिक्स कर दिया जाता है, तो ये एज अ एक्सप्लोसिव भी है जो ग्लास में फिलअप करके उसको पैक कर देते हैं, तो ये ब्लास्ट एक्सप्लोसिव के लिए यूज किया जाता है। पेट्रोल के साथ मिला देते हैं तो ये इसका जो उसका माइलेज है वो बढ़ जाता है। अगर मान लो कि 150 का पहले दे रहा है, अब पेट्रोल के साथ मिक्स कर दोगे तो हो सकता है 300 या उससे भी ज्यादा हो जाए पेट्रोल, लेकिन नॉर्मल बाइक इतना पावर बियर नहीं कर पाएगा। इसे नॉर्मल बाइक के पेट्रोल में मिलाओगे तो चला जाएगा। वो ये स्पोर्ट्स बाइक जो होते हैं रेसिंग बाइक होते हैं खास करके, उसमें यूज किया जाता है आपका अमोनियम नाइट्रेट, एक एक्सप्लोसिव भी है और जो माइलेज बढ़ाने के लिए पेट्रोल के साथ में मिक्स भी किया जाता है, ओके। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट विच इज यूज्ड एज एक्सप्लोसिव एंड माइट टू इंक्रीज द माइलेज, ठीक है। उसके अलावे पिकलिंग ऑफ स्टील, स्टेनलेस स्टील, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील के लिए भी यूज किया। पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील का मतलब हुआ जैसे वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग ज्वाइंट पे आपको वेल्ड ऐसे ही दिखाई देता है, तो जब जिसका नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो क्या करता है बाहर से जो रहते हैं उसको स्मूथ कर देते, यानी आपको जितने भी वेल्डिंग के मैन फैब्रिकेशन करते हैं ना तो वेल्डिंग करते हैं तो उबर खावर रहता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं सॉरी नाइट्रिक एसिड में तो उसको एक जैसा नाइट्रिक एसिड से रब करते हैं तो वो प्लेन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। इसके अलावा इसका यूज ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल में भी यूज होता है, इन रॉकेट फ्यूल एज ऑक्सीडाइजर, रॉकेट फ्यूल में ऑक्सीडाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है आपका किसका नाइट्रिक एसिड। तो ये तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है अमोनियम नाइट्रेट, जो कि ये आपका फर्टिलाइजर के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। फिर एक्सप्लोसिव के लिए भी यूज किया जाता है, माइलेज रेसिंग बाइक के माइलेज बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। किसका
इसका यूज किया जाता है, नाइट्रिक एसिड का नहीं। अब इससे अमोनियम नाइट्रेट बना और ये नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है एक्सप्लोसिव के फॉर्म में। HNO3 नहीं, HNO3 तो एसिड है। ओके, फिर पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील नाइट्रिक एसिड यूज होता है और रॉकेट फ्यूल में एज अ ऑक्सीडाइजर आपका यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को बनाने में भी यूज किया जाता है। हमने ऊपर ही पढ़ा था कि नाइट्रोजन को ऑक्साइड बनाने में यूज हुआ था। तो ये यहां तक कंप्लीट हुआ आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी ग्रुप नंबर 15 के नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फॉस्फोरस और उसके कंपाउंड्स के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। उसके बाद दो ही पढ़ने ही है, उसके बाद में ग्रुप नंबर 15 कंप्लीट, फिर ग्रुप नंबर हम 16 दैट इज ऑक्सीजन वाले पे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप नंबर इसी ग्रुप का फॉस्फोरस टॉपिक स्टार्ट करेंगे।